लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? किसमें दिखाया शाहरुख खान ने अपना मेजर लुक? कैसे अलग है मैं हूं ना और जवान? किसे पसंद करेगी जनता? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है एक गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और हाँ दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। बी टाउन के किंग खान अपनी फिल्म जवान की हाइप बन चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक इस बार भी शाहरुख सेना में भर्ती हुए जवान वाले लुक में नजर आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख इस बार आर्मी की किस पोजीशन पर नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में अलग अलग सैनिक पोस्ट के किरदार निभाए हैं। इस बार जवान में शाहरुख खान मेजर के लुक में नजर आने वाले हैं। लेकिन 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 यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि मेजर का रोल किंग खान का कोई पहला रोल नहीं होगा। आपको मेजर राम तो याद ही होंगे, अगर नहीं भी याद है तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। साल 2004 की फिल्म मैं हूं ना में भी शाहरुख खान ने मेजर राम का रोल प्ले किया था। ये फिल्म बी टाउन की फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने डायरेक्ट की थी। 18 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 89.7 करोड़ जैसी बड़ी कमाई की थी। इस फिल्म के गाने और स्टोरी आज भी बी टाउन के मार्केट में काफी फ्रेश बनी हुई है। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान के अलावा सुष्मिता सेन, जायद खान, अमृता राव, किरण खेर, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आए थे। अब जब जवान में किंग खान अपना पुराना मेजर रोल करते नजर आएंगे तो ऐसे में मेजर राम और मेजर सूर्य प्रताप का कंपैरिजन तो बनता ही है। मैं हूं ना एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी जिसमें एक्शन ने जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था, लेकिन जवान एक फुल ऑन एक्शन थ्रिलर बेस्ड फिल्म होगी जहां फिल्म में कॉमेडी का थोड़ा तड़का भी लगता दिखाई देगा। मैं हूं ना में किसी भी तरह का वॉर सीन नहीं रखा गया था। इसकी कहानी आर्मी से निकाले गए एक सोल्जर की है जो अपना बदला लेता है और उस बदले की आग से सबको मेजर राम यानी कि किंग खान बचाते हुए नजर आते हैं। वही सोर्सेस की माने तो जवान में दुश्मन देश की सेना के साथ बड़ा वॉर सीन क्रिएट किया गया और इस वॉर की जीत में मेजर सूर्य प्रताप का एक अहम रोल होगा। मैं हूं ना में मेजर राम को उनका सीनियर ऑफिसर अपनी बेटी के कॉलेज में उसकी सेफ्टी के लिए भेजता है जहां राम एक नॉर्मल स्टूडेंट बना नजर आता है। लेकिन फिल्म जवान के मेजर सूर्य प्रताप सिर्फ और सिर्फ वॉर में अपनी प्रेजेंस दिखाते नजर आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि राम और सूर्य प्रताप में कौन बनेगा जनता का फेवरेट, क्योंकि दोनों कहानी में ट्विस्ट के साथ कहानी का स्टार तो एक है लेकिन दोनों फिल्मों के शेष काफी अलग हैं। राम सेना का मेजर होने के नाते एक जाबाज ऑफिसर है, लेकिन फिल्म की बढ़ती कहानी उसके रोमांटिक शेड को भी दिखाती नजर आती है। वहीं सूर्य प्रताप में हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन रोमांस के मामले में उसके हाथ काफी तंग रहेंगे। जहां राम का अपनी केमिस्ट्री टीचर चांदनी के लिए घुटनों पर बैठ के गाने गाने वाला स्टाइल आज भी काफी पसंद किया जाता है, वहीं फिल्म में सूर्या का कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिखाया जाएगा। राम मेजर एक रोमांटिक किरदार वाला लड़का है, वहीं सूर्या मेजर के रोल में एक एक्शन हीरो। अब इन बातों से ये साफ जाहिर होता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन फैंस का भी अपना एक टेस्ट होता है। अब जिन फैंस को शाहरुख खान यानी कि किंग खान ऑफ रोमांस वाले लुक्स में पसंद आते हैं उनके लिए मेजर राम ही उनका फेवरेट कैरेक्टर होंगे और सूर्या का किरदार उन्हें फीका लगेगा। लेकिन जिन फैंस को शाहरुख खान का एक्शन हीरो वाला अंदाज पसंद आता है उनके लिए मेजर सूर्य प्रताप एक जबरदस्त एक्शन हीरो बनने वाले हैं। वेल दोस्तों आपका फेवरेट कौन है, राम या सूर्या? अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जरूर लाइक कर दें, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।